अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हमारा पहला ब्लॉग होगा। अभी हम आए हैं इंग्लैंड की साइड पे पहला मैच खेलने के लिए। तो मैच खेलने के लिए आए, हमारे बॉयज़ आधे आ गए हैं आधे नहीं आए हैं। बॉयज़ की भी शक्लें दिखा देते हैं, बॉयज़ में आया कौन कौन है। ये हमारे अश्मीर भाई खड़े हैं, ये अवेश साहब है, इनका पता नहीं है अभी क्या करेंगे। ये हमारे अलीज़ भी हैं जो कोच साहब है, ऑलराउंडर लड़कियों की भी इन्होंने कोचिंग की है। तो पूरा बताओ, लड़कियों की प्रीमियर लीग हुई थी हमारे ऑफिस की। तो इन भाई साहब ने है ना, ये DML की इन्होंने कोचिंग, ये DML की, और लड़कियां फाइनल खेल गई। अनफॉर्चुनेटली फाइनल नहीं जीत पाए, बट अभी कंटिन्यू करेंगे इस ब्लॉग को ही आगे और दिखाएंगे कि कैसे मन है। ये सुनने में यही आया है कि हमारा मैच तीन ओवर का होगा, दूसरा होगा दूसरा मैच, क्योंकि हमारे बॉयज लेट हो गए हैं। तो अब ये शुरू होगा हमारा दूसरा मैच, जो कि बोल रहे हैं कि तीन ओवर का होगा। फिलहाल अभी इस पर रखते हैं, पर कंटिन्यू करेंगे। हाँ समीर, क्या कह रहे थे यार? मैं ये कह रहा हूँ गाइस, ये जो गटर खुला हुआ है ये बड़ा खतरनाक है। हमारी टीम का एक बड़ा सेहतमंद प्लेयर है जो उसका नाम अब्दुल मतीन है, उस नाड़ा उनके लिए खतरा है, जो कि अभी तक आया नहीं है। इंतजार कर रहे हैं इनका और उनको बताएंगे गटर का ढक्कन खुला हुआ है। वैसे आप जगह के बारे में क्या कहोगे? जगह यार अच्छी है, बट ये है कि यहाँ पर आवाम बहुत है ना, इस वजह से बहुत कन्फ्यूजन है और सामने से आम तरफ बहुत है ट्रैफिक की। पहले छक्के के बारे में क्या ख्याल है? पहले छक्का तो ये कि बॉल बहुत गंदी दी थी उसने, जिसकी वजह से उसके बाद से कमबैक अच्छा किया बॉलर। लेकिन हमारे जो मुबीन भाई हैं वो हमारे अटैक बॉलर जो है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ आवर DMCR यार। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी तारीफ करने का, लेकिन बात सिर्फ ये है लाना था तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। भाई लाना था आपने किसको दिया? ये शायन भाई है हमारे, हम इनका वेट कर रहे हैं, हमारा अगला मैच है। वो गाड़ी लेके भी आगे चला गया, हो गई बच गए। बढ़िया बढ़िया दादी, ऑनलाइन स्विमिंग पूल का तो बंद करो। नहीं नहीं शॉट हो गया, नहीं बॉल अच्छा दिया था। क्या कहना है आपको इसके बारे में? बॉल अच्छा था लेकिन उसके बल्ले पे पूरी नहीं बनना, ये उधर ही जाता, ये जैसा पहला वाला गया था। हाँ ये जाता सीधा ही शॉट। अवेश आप क्या कहेंगे इस बारे में? भाई तो बहुत कुछ करें सर, मैं आपसे इतना कहूँगा बस कि आप बॉलिंग संभाले ना, बैटिंग में देखो। बाबा सर आप बॉलिंग की तो टेंशन ही नहीं ले, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला पूरा RPL में गए, UBL के अंदर बस बॉलिंग संभाल लो। यानी पांच मैचेस में आपने दो ओवर चलवाए हमसे, अब हम क्या करें इसके ऊपर, आप खुद भी बताओ। नहीं नहीं वो तो चलो जाती हुई थी तुम्हारे साथ, वो तो मैं तुम्हारे लिए आवाज उठाई भी थी लेकिन थाने का मुश्तक तो नहीं पहुंची आवाज। गुड बॉल शाबा, ये पकड़ना लाइन पकड़ी हुई तो है। बाकी अब शायन आता है तो फिर हम शायन के साथ भी शुगल मेला लगाते हैं। हमारे बाकी बॉयज भी आ चुके हैं, ये शायन साहब हैं, लेट लतीफ इसके साथ कहा खड़े हुए, हनी और मुइज भी आए हुए। सबको ब्लॉगिंग सिखा दी मैंने बाबा, ये इसी बंदे की वजह से लेट हुए। सब्सक्राइब करना शायन अहमद के नाम से चैनल है, देखो अपनी प्रमोशन भी चला लो तुम। 20 बंदे उसके 20 बंदे तुझे भी फॉलो करेंगे। अरे 20 से ही तो शुरू होंगे यार, आगे आ जाओ फजील। अरे यहाँ पे ये हमारे फजील भाई हैं, कैसे हो? इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये लाइन पे ऐसी बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, शुरुआत नहीं है ठीक ठाक, और ये बात कंप्लीट झूठ है। और बच्चे 18 से ऊपर, ये 18 से नीचे यूज ना करें प्लीज। हाँ डिस्क्लेमर, आप सिगरेट पी रहे हैं बहुत गलत चीज है ये, फिर भी गलत चीज है। तो भाई ये हाथ लाओ हाथ। हेलो गाइस, ये मुबीन असद सिद्दीकी के व्लॉग्स हैं, कमेंटेटर मोहम्मद मुईस। और ये हमारे बॉयज बॉलिंग पे, वो पीछे शायान आपको शायद दिख रहा हो, फजील भाई सामने, और भी बॉयज दिखते तो मैं आपको बताता हूँ। तो सीन ऑन है बॉयज, स्टार्ट हो रहा है मैच, बच्चोलियाँ करेंगे आज मजाक मस्ती। शान भाई ने पहली बॉल करवाई,
शहन भाई का पेस अच्छा है, शहन भाई अभी तो पेस पकड़ेंगे। लाइन खराब कर रहे हैं, लाइन खराब कर रहे हैं, आप भी खराब ही हो, अच्छे नहीं हो आप। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। शान भाई का पेस अच्छा है। चल रहा है बॉयज, स्टार्ट हुआ। छक्का हो गया है, छक्का हो गया ना। अब उनके तो सारे बॉलर्स ही ऐसे हैं अपने पास, तो दोरा जी वाली टीम है। अरे आज कुछ तो बहुत शान भाई का ओवर खत्म, हमारे अश्मीर करते हैं। ये मुमेल असद सिद्दीकी बॉलिंग पे, ये मुमेल ने बॉल करवाई, ये घुमा के शॉट मारा है। फिर से मुमेल असद सिद्दीकी, जायद भाई ने विकेट ले ली, तो करके मुबीन असद सिद्दीकी के अपने एक और विकेट। मैच अच्छा चल रहा है बॉयज, क्या स्कोर क्या है? स्कोर यार 35-40, 35-40। अब शुरू हुआ है शायन। अरे वेल बॉल यार मुबीन, बहुत थैंक यू शायन, बहुत अच्छे मुबीन भाई। 39 कितना का टारगेट कितने का? 3 ओवर में, 3 ओवर में 39 का टारगेट। अब ऑन सीन है, बैट्समैन कौन जा रहा है बैटिंग पे? रेड भाई पूरा करके आना भाई, पूरा कर लेना यार, खुदा का वास्ता है। वो अच्छा ब्लॉग होता है, गालियां नहीं देते हम, जो बात है यार सेंसर मार। लेकिन शायन भाई, शायन भाई लेकिन इतनी लंबी भाई, अभी तो मेरी जान होगी वाइट, तो यार मेरी आदत थोड़ी रोड पे खेलने की। अभी किसको क्या है नारा, पेस देखो तुम, पेस अबे इसकी बात करो, पेस तेरा नो डाउट बॉल कुत्ता, लेकिन नारा का नारा ढीला हो जाता है ना, लेकिन उसकी टांग ही नीचे से बॉल गया है। तू माया के खड़ा हो दूसरी पिच पे तो ये पता चलेगा भाईजान, बॉल अगर होगी तो। तो बॉयज सीन सिर्फ इतना सा है, 3 ओवर में 39 जान, थोड़ा जोर से बोलो, इसके माइक में आवाज नहीं जाएगी, मुझे पता है। 3 ओवर में 39 का टारगेट दिया, तो अब ये सीन है कि जैद और अवेज गए हैं,
बैटिंग पे। हाथ हिल रहा है, हाथ हिल रहा है। कोशिश यही है कि इसको पूरा करके फिर कंटिन्यू करते झाड़ी में से। देख पूरा करके आना, पूरा करके आना, वरना तेरे छक्के काट दूंगा मैं। तो सीन कुछ ऐसा हुआ है कि पहला मैच तो हम हार गए और बड़े दलालत के साथ आ रहे हैं। वो हमारी कुछ कहना चाहेंगे इसमें? कहना बस यही चाहेंगे कि टीम कॉम्बिनेशन सही था, लेकिन जो रन थे वो रन लिए नहीं गए स्टार्टिंग से ही मैच के। पहला बैट्समैन को रन आउट करवा दिया। टारगेट ऐसा कोई खास था नहीं, 3 ओवर में तकरीबन 40 रन कुछ भी, 39 का टारगेट था, कुछ भी नहीं खास, लेकिन बट वही बोलेंगे किस्मत नहीं थी। उस्मान कुछ कहोगे? नो कमेंट्स भाई। आपको आपको सिर्फ इतना बताओ कि इन लोगों की बैटिंग देख के तुम्हें क्या लगा? किस्मत खराब है हमारी यार, और क्या। किसी ने भी एक छक्का मारा? नहीं, चुके हमारे पास छक्के बहुत, सबने छक्के खाए, बाउंड्री के मारा किसी ने नहीं है, बाउंड्री के करीब तक बॉल नहीं फेंकी इन लोगों ने, मगर तो ने सीन इतना है। वहाँ से हारने के बाद हम जरा दूसरी जगह आ गए, तो ये दूसरी जगह जहाँ पे हमारा मैच शुरू हो गया और हमारी बैटिंग है, और जैद और अली रिजवी गए। जैद के साथ आप जैद की कहानी बताना चाहेंगे? जैद के साथ मैच में क्या हुआ था? जैद बेचारे बड़े पुरजोश तरीके से आए थे मैच के दौरान कि हमें खिलाओ हमें खिलाओ, वो चांस दिया गया बट वो रनिंग पे चले गए नॉन स्ट्राइकर एंड पे, और उसके बाद फिर ये हुआ कि कीपर के हाथ से बॉल फंबल हुआ और लॉन्ग फंबल था, रन था चुके, लेकिन वो आधी पिच से आके जब वापस गए हैं तो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, जिसके बाद वो पूरे मैच शोर शराबा करते रहे वो प्रोग्राम। अब यही सीन है कि अभी दूसरा चल रहा है, दो बॉल हो चुकी हैं, 0 रन है, अब देखें इसमें क्या सीन बनता है। जैद भाई क्या सीन हुआ फिर से आपके साथ? अरे पहले में कहीं कोई भाई था उसने रन आउट करा दिया, फिर यहाँ बॉल चले गई, छक्के की ट्राई करी, यहाँ फिर कहाँ गई बॉल? आप जरा दिखा सकते हैं बॉल कहाँ गई? थोड़ा पिच के ऊपर से यहाँ गई थोड़ी सी बॉल, यहाँ पे यहाँ गई, और ये इन लोगों ने आउट दे दिया। अब हम घर जा रहे हैं, मैं घर जा रहा हूँ। यानी आपकी किस्मत खराब चल रही है पूरी पूरी। हार के आए हो अभी, अब तुम क्या कर रहे हो? अली रिजवी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जैद अली रिजवी हमारे अच्छे दोस्त हैं। नहीं, इनकी बैटिंग के हवाले से बात नहीं, वो बहुत डीप बैटिंग इनकी। अजी आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे मैं में? कुछ नहीं कहना चाहता। अवेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? क्रिकेट है, होता रहता है यार, देखो चलेगा बल्ला लीग इंशाल्लाह मारेगा। लेकिन आप पिछले मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक छक्का नहीं मारा हमारी टीम ने, कोई बात नहीं, हो जाता है, वो भी खेलने आता है। पहला मैच है यार, रुक जाओ अभी सब कुछ होगा। वार्म अप होने दे हैं फदील भाई, टेंशन नहीं लो सब होगा। बस सही है सीन इतना ही है कि ये लोग बोल रहे हैं वार्म अप होने दे और फिर ये लोग कंटिन्यू करेंगे, अब देखते हैं क्या सीन होता है। क्या हुआ है वैसे? कुछ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। आपके साथ है ना जैद भाई, सिर्फ इतना सा हुआ है कि वो कैमरा लगा हुआ, आप उस पे हाथ हिला रहे हैं। आपस की बात है फदील भाई, लास्ट टाइम तो नहीं था ये आउट? भाई दो बॉलों पे दोनों बॉले फेंक दी और दोनों प्लेयर आउट हो चुके। जैद भाई पहले थे। हाँ तो भाई सीन ये हुआ है कि सारे मैचेस, जैद भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? तो कहले पहले कुछ। हाँ तो उस्मान क्या कहना चाहेंगे आज की मैच की हमारी परफॉर्मेंस देख के? यार बस तुमने अच्छी बॉलिंग की नो डाउट, ये अच्छा बॉलिंग कर रहा है अश्मीर अपना भाई, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपने बाकी सबसे बहुत बेहतर की बता ने बॉलिंग बहुत बुरी है यार, तहा बस सीख लेगा। तहा तहा तो बॉलर है वो वाली। अबे मतलब नहीं 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 देखो तहा 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 हमारा बैट्समैन है। नहीं 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 तहा बैट्समैन आराम बात सही है, लेकिन प्यार से तहा तहा क्या कहना चाहेंगे? बाल को एक दफा यूं करते हुए इधर देख, टीम की परफॉर्मेंस देख, यानी टीम हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि हम लोग लाइक नहीं है कि कराची के टूर्नामेंट में टीम डालें, इतनी अच्छी टीम है बेसिकली हमारी, तो उसके लिए हम लोग सर्च कर रहे हैं। असद शाह को अभी हमने रीच किया है, इन सबको रीच किया ताकि हम लोग बड़ी लेवल पे क्रिकेट खेलें, तो मजीद हमारी बाकी यही है बस आगे बढ़ाएंगे मुबीन। बाकी आप जो एक आध जो बैट्समैन हैं जो पूरे पूरे मैचेस ओवर पी कर आए हैं, आईपीएक्स से इतनी सैलरी कर रहे हैं उनको दे पाओगे? यार खैर है अश्मीर हमारा बैठा हुआ है यार, ये बंदा प्लेयर्स की मिले चल रही है यार। बैट्समैन की बात हो रही थी अली भाई, आओ अली, अली भाई के बारे में आपको क्या कहना है? भाई बस नाम डुबवा दिया वो, ठीक है बस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, इससे ज़्यादा दलालत बर्दाश्त नहीं होगी, बाकी हम शुरू करेंगे अगले हफ्ते इंशाल्लाह।